आज हम सभी पार्षदगण कलेक्टर साहब के पास आए थे। पिछले हमारे 2 साल से शायद पता नहीं नगर पालिका को कोई ग्रहण लग गया है या कुछ ऐसा हो रहा है। नगर पालिका की आज ये स्थिति हो गई है, जो 10 करोड़ रुपए के 5 बीघा भूखंड था वो नगर पालिका ऑक्शन करती तो कम से कम 7-8 करोड़ रुपए आते, लेकिन इन्होंने 75 लाख रुपए में ज़मीन बेच दी। उसमें शर्त ये थी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल बनेगी और ये इससे बाड़मेर को राजस्व मिलेगा, लेकिन इन्होंने किसी निजी संस्था को कोड़ियों में दे दी और इससे नगर पालिका को बहुत बड़ी हानि हुई है। इसकी हम कलेक्टर साहब से उम्मीद करते हैं कि जांच करवाए, FIR दर्ज करवाए और इसमें वसूली करे। ये नगर पालिका ने के पूर्व आयुक्त ने अपनी साठ गांठ करके किसी निजी संस्थान को दे दी है। और बोर्ड की मीटिंग अभी हमारे पिछले 7-8 महीने से बोर्ड की मीटिंग भी नहीं हो रही है, तो इस वजह से काफ़ी काम अटके हुए हैं शहर के, मीटिंग के बिना हो नहीं पाते हैं। वो भी कलेक्टर साहब को कहा, सीवरेज वाले मामले में तो इन्होंने हद ही पार कर दी है। पिछले 2 साल पहले 4 करोड़ का काम करके गए, 1% पर काम सही नहीं हुआ, अभी भी रोड़े वगैरह तोड़ के चले गए हैं। इनका हमारे पार्षदों की तरफ से तो पूरा प्रयास किया गया, कोई इसका धनी दोरी नहीं है। पूरी इंदिरा कॉलोनी, इंदिरा नगर तोड़, इनका ये था कि भाई हम जैसे तोड़ के वापस बनाएंगे, ये अपना काम करके तोड़ के चले जाते हैं, पेमेंट फर्जी उठ जाता है। यहाँ पे पिछली बार भी बोर्ड की मीटिंग में पेमेंट सीवरेज वाला का पेमेंट रोकने के लिए मुद्दा उठा था और प्रस्ताव भी पास हुआ था कि भाई इनसे रिकवरी करेंगे और पेमेंट रोका जाएगा, और आयुक्त साहब ने रोकने की बजाय और मिला के उनको पेमेंट कर दिया है। 55 लाख का एक साथ ही पेमेंट कर दिया, उससे नगर पालिका निचले स्तर पर चली गई घाटे में। अब कर्मचारियों के तनख्वाह के भी फाफे बढ़ने वाले हैं और लगता है ऐसे ये हालत रहेंगे तो आगे वाले आने वाले समय में नगर पालिका के ताले लग जाएंगे। चेयरमैन